नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने आए पीड़ित अगरदी यादव ने बताया कि हमने अपना जमीन 229 कड़ी जमीन 7,50,000 रुपए में राम लखन मिश्र के नाम बैनामा कर दिया और हमारे नाम से हमको 4,00,000 रुपए का चेक मिला। सूर्य प्रकाश, जिसने हमारी जमीन बेचने में मदद की, जब हम तहसील में बैनामा करने गया तो उन्होंने हमसे हमारी पत्नी का नाम पूछा, तो हमने अपनी पत्नी का नाम लाची देवी बताया। हम कान से कम सुनते हैं, जिसका फायदा उठाकर सूर्य प्रकाश ने अपनी पत्नी मालती के नाम पर 3,50,000 का चेक धोखाधड़ी से ले लिया है और मांगने पर हिला हवाली करने लगा है, धमकी देने लगा है और साजिश के तहत अपने मददगार गवाह केदार व रामप्रीत को साजिश करके हथिया हाशिए का गवाह बनाया। पीड़ित ने इसकी शिकायत कई बार स्थानीय थाना और उच्च अधिकारियों से की, मदद की कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित थक हार कर आज SP कार्यालय पहुंचा और शिकायती पत्र सौंपते हुए मांग की कि हमारा पैसा हमें वापस दिलाएं और दोषियों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए ताकि हमें न्याय मिले। पुलिस अधीक्षक महोदय ने मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। क्या कुछ कहा पीड़ित अगरदी यादव ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अगरदी यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? शिवपुर के रहने वाला। थाना महाराजगंज। क्या मामला आप आए हैं SP साहब का? हम 8-20 से अपनी जमीन बेचा और राम लखन मिश्रा को, और इसके बाद में हमको चेक काट करके एक दे दिया, एक चेक अपने ले लिया सूरजू यादव, और इसके बाद में हमें बताया अपने लाची का नाम और अपने औरत का नाम बता करके मालती देवी को पैसा एक चेक ले लिया, मेरे घर पे ले के जाके छोड़ा, वरना चेक दो, वो चेक मुझे नहीं दिया। चेक लेके गए, कल परसों मैं चेक लाऊंगा, अंदर पैसा तुम्हारा निकाल के दे दूंगा। क्या हुआ? पैसा नहीं दिया। मैं आजकल हवाला पढ़ा रहा मुझे। इसकी शिकायत थाने किए थे? हाँ, एप्लीकेशन थाने पर मैं दिया था। कुछ कार्रवाई? कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई मेरी नहीं हुई। अब क्या चाहते हैं? मेरा पैसा मेरे को मिलना मांगता। मैं 8-20 जमीन बेचा हूँ। अभी यहाँ SP साहब के यहाँ क्या आश्वासन? SP के यहाँ इसके बारे में दरखास्त मैं दिया था, अभी तक कुछ पता नहीं लगा। अभी क्या कहें? अभी कुछ नहीं कहे।